नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव चौधरी है। मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, जीपीसी दौसा से। और आज का जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है वो है क्रिस्टल टाइप ऑफ माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन का लास्ट माइक्रोफोन है जो कि हमारे सिलेबस में है, और इसके बाद में जो मेरा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा लाउड स्पीकर। सो पहले के जो मैंने 3 माइक्रोफोन डिस्कस किए थे वो थे कार्बन टाइप, इलेक्ट्रोडायनेमिक और कंडेंसर। ये जो माइक्रोफोन है इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये एक तो एक्टिव टाइप का माइक्रोफोन। पहले जो हमने देखे थे उसमें हमें कुछ ना कुछ डीसी इनपुट देने पड़ रहे हैं, यानी वो पैसिव माइक्रोफोन है। मींस इसको हमें कुछ भी पर्टिकुलरली एक एनर्जी देने की, वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इसका एक बार कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेसिकली हमने देखा था कि 3 माइक्रोफोन में सेम स्ट्रक्चर था, डायटाग्रैम और डायटाग्रैम स्प्रिंग से अटैच्ड है और इसका सपोर्ट है। ये इसका कवर जो कि कुछ भी डस्ट या और कुछ वेदर कंडीशन से उससे मतलब बेसिकली डायटाग्रैम को बचाने के लिए। ये पिस्टन होता है और ये पर्टिकुलरली फ्रेम के अंदर पैक होता है। ये जो इनसाइड का स्ट्रक्चर है ये हमारा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल बेसिकली एलिमेंट होता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, और वो जो एलिमेंट होता है या तो क्वार्ट्स या रोची सॉल्ट का होता है। फिर इसके अगर हम बात करें तो क्वार्ट्स या रोची सॉल्ट के सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फॉइल, यानी जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल एक थिन लेयर की मेटल लगी होती है, और उन दोनों मेटल के कॉर्नर से हम आउटपुट लेते हैं। ये सपोर्ट होता है ताकि इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ताकि इसको सपोर्ट मिले। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो जैसे ही साउंड का प्रेशर डायफ्राम के ऊपर होता है तो डायफ्राम में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि डायफ्राम पिस्टन से अटैच है तो पिस्टन इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस करता है क्वार्ट्स के अंदर। अब जब इसके अंदर फोर्स आएगा तो इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो जो इसके अंदर जो मैकेनिकल फोर्स यानी जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कितनी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है वो हमारे डिपेंड करता है इस साउंड के प्रेशर। यदि साउंड का प्रेशर ज्यादा है तो उसी की फॉर्म में, उसी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट मिलेगी, और साउंड यदि कम है या मतलब जो भी डिपेंड करेगा साउंड। तो ये बेसिकली हमारा वर्किंग हुआ क्रिस्टल टाइप में। अब इसकी हम बात करें पिछले 3 के मुकाबले में, एक तो ये एक्टिव होता है, दूसरा इसका सिग्नल टू नॉइज रिस्पांस भी बेटर होता है। लेकिन इसका अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा यूजफुल है। मींस इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रिस्पांस है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा फ्लैट है रादर देन लो फ्रीक्वेंसी। और अगर हम बात करें उन 3 माइक्रोफोन के बजाय ये माइक्रोफोन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। मींस इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो ये तो हमारी बात हुई माइक्रोफोन की, और माइक्रोफोन का पूरा पोर्शन ओवर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा लाउड स्पीकर। मींस हमारा ऑडियो सिस्टम में हमने जैसे सपोज ये माइक्रोफोन है, हमने कुछ बोला, हमारा जो भी साउंड था हमारे उसी की फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल में चलेगा। अब अंदर की स्टेप्स होती है जो कि बेसिकली प्रोसेसर लगे होते हैं वो डिपेंड करते हैं। सपोज मान के चलिए कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, वो सॉन्ग के मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब सपोज जैसे हाई पिच में उसमें लो पिच में है, मिड फ्रीक्वेंसी पिच में है, तो वो सारा काम प्रोसेसिंग कर दिए। मीन्स उसके अंदर से नॉइस, ऐसा नहीं है कि 100% नॉइस क्या कहते हैं इसी में से माइक्रोफोन से निकल जाती है। इवन 100% नॉइस तो प्रोसेसर से भी निकलती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितना हो सके उतना बेटर रहे। फिर उसके बाद में जो फाइनल स्टेप होती है हमारा वापस सिग्नल को रिकवर करना, यानी जो हमारा साउंड सिग्नल था वो दोबारा हम उसको सुन सकें रिसीविंग साइड में, तो उसके लिए हमें दूसरे ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है, और वो होता है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में अलग अलग चीजें होती है, जैसे फिल्टर्स हुआ, अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी बीट सुनना है तो हमें वूफर की जरूरत पड़ती है, अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी सुनना है तो वो डिपेंड करता है। अगर हमें बेस के अलावा हमें ट्रेवल करना है तो हमें मिड फ्रीक्वेंसी, एक ओवरऑल हमें हाई फाई यानी हाई फिडेलिटी सिस्टम की भी जरूरत होती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो
हमारा ये क्वेश्चन था ऑडियो सिस्टम के पहले स्टेप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी, वो थी माइक्रोफोन। थैंक यू।